के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाया गया है वो बना रहे हैं। अभी तक टोटल 12 बना चुके हैं, 12 प्रैक्टिस बना चुके हैं बीपीएससी टीचर भर्ती की एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम 13वां टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बनाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर इसको आप कोई भी वीडियो देखना है, पुराना वीडियो देखना है, चाहे किरण पब्लिकेशन का या प्लेटफॉर्म का, तो नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x²-6x+5 है ना, एक मूल 5 है, तो k का मान क्या है? तो अब देखिए, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए जो सम हो, रूट होता है, इसका रूट कितना होगा? 2 स्क्वायर है तो 2 रूट होगा, x1+x2 वो जो होता है ना, इसका माइनस में होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है माइनस ऑफ -6k होगा यहाँ पे, जैसे मतलब 6k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 × x2 ये हो जाएगा 5, ये बट्टा ये होता है x² का जो कोफिशियंट होता है ना, यहाँ पे तो 5 है, बस 5 हो जाएगा। और आपको एक मूल दे रखा है 5, यहाँ पे 5 दे रखा है एक मूल, तो x2 ये हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो एक दूसरा रूट आ जाएगा एक, तो एक का आंसर हो जाएगा आपका बी। दूसरा क्वेश्चन है, इसको बस ऐड कर देना है और ध्यान से थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा 10 दशमलव के बाद पोजीशन इसका है 25 का है, 5 आएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है चौथा नंबर पे, और यहाँ पे 5 है, तो 7 आ जाएगा, ठीक। उसके अलावा किसी में नहीं है, तो 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 आ गया, फिर यहाँ पे 5 है तो 7 आ गया, तो फिर 7 आ जाएगा, 3 7 हो गया, ठीक है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट पोजीशन 2 है, 2 आ गया, 0 तो 2 हो गया, तो 4 हो गया, और 5 9 हो गया, तो 9 आ जाना चाहिए, 9 यहाँ पे है, ठीक। फिर आपका 5 आ गया, फिर 2 आ गया, 7 हो गया, फिर 0 आ गया, 2 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक इधर आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2 5, 5 6 11, तो 1 आ जाना चाहिए, तो 1 ये वाला आ गया, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा, तो 0 + 1 1 आ गया, +6 7 आ गया, +2 9 आ गया, +0 9 आ जाएगा। फिर देखिए 2 है, 2 6 8 है, 8 आ जाएगा सीधा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सीधा। ध्यान से करना, फटाफट कीजिए, आराम से आएगा। इसका क्वेश्चन है, यदि एक परिमेय संख्या का हर 1, 2, 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? अब देखिए, दोनों नॉन निगेटिव है, मतलब n की वैल्यू 1 2, m की भी वैल्यू मतलब 2 की पावर n × 5, तो नीचे क्या आएगा? कम से कम 1 2 1 5 है, तो मतलब 10 का मल्टीपल में आ जाएगा। अब 10 का मल्टीपल कुछ भी आएगा तो डिवाइड कीजिएगा, तो नॉर्मल सा दशमलव आएगा, 1.00 करके दशमलव नॉर्मल सा आएगा, है ना, दशमलव आएगा, 0. कुछ करके आएगा, तो इसका मतलब ये शांत संख्या होगा, ऐसा नहीं कि कुछ रिपीट करने वाला होगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। अनुज अपने बगीचे में 5 6 2 5 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में समान अधिक, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक पंक्ति है, इसमें आपने एक्स फूल लगा दिया, ये क्वेश्चन बोला एक पंक्ति में एक्स फूल लगा रहा है, तो एक्स पंक्तियां ले लीजिए, ठीक, यही बोल रहा है ये, मतलब तो 5 पंक्ति, एक पंक्ति में 5 फूल लगा दिया, तो 5 पंक्ति लीजिए, है ना, मतलब तो 5 पंक्ति लीजिए। तो यहाँ पे यही है, एक्स फूल लगाया और एक्स पंक्ति है, तो x × x² टोटल फूल हो गया, और ये है 5 6 2 5,
तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या कहता है, तो इस ये तो ऑप्शन से सीधा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को तो 5 6 2 5 है, ये सब का रूट, इसका रूट निकालने पे इतना बड़ा नंबर थोड़ी आएगा, ये तो बहुत छोटा आएगा, 75 नंबर। सरल करना है, देखिए हमें पता है एक प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देख लीजिए, ए की जगह दिया हुआ है आपको 542 प्लस 321, और बी की जगह दिया हुआ है 542 माइनस 321। तो ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा बस 542, मतलब 2 टाइम 542। ऐसे ही ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में क्या होगा, ये कट जाएगा 542 और ये बचेगा 321, मतलब 2 टाइम 321। तो अब यही दिया हुआ है, ए प्लस बी हमने क्या लिखा, 2 टाइम 542 इंटू 2 टाइम्स 5 321 डिवाइडेड बाय 542 इंटू 321, ये और ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। आंसर बी है। तो ये नंबर दे रखा है कि इससे 90 से विभाजन है, मतलब 90 3 5 6 वाई एक्स। तो ये होता है 9 चौके 36, तो 4 तो जाएगा ना, 3 मरते जाएगा, 9 3 27। नौ नवा 81 810, ये हो गया वाई और ये हो गया 5। ये 5 yx, हमें क्या निकालना था, y-6 निकालना है। अब देखिए ये डिविजिबल होना चाहिए इसका, तो मतलब ये डिविजिबल होना चाहिए 5 yx के आसपास, 5 स्टार्टिंग वाला कौन सा होता है 90 का मल्टीपल, ये होता है 9 6 54, 540 5 yx माइनस 540, ठीक, इसको सीधा इंटू कर दीजिए, 10 y प्लस x माइनस 40। मतलब क्या हो गया, y x = 40 आ गया, तो y-6 कितना हो जाएगा, 4 - 0 = 4। अपना क्वेश्चन है, 5 3 7 3 6 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग क्या है, आंकिक मान तो 7 है और स्थानीय मान कितना है, 700, तो 700 योग कितना प्लस 7, तो 707, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यदि इतना दे रखा है तब ए बी सी के बराबर है, तो आपको वो निकालना है, आपको दे रखा है 2a = 2b = 2c, मान लेते हैं k के बराबर है, a क्या हो जाएगा k/2, b हो जाएगा k/2, 3 है ये 4 है,
के बटा तीन, सी हो जाएगा के बटा चार। हमें निकालना है एस टू बी एस टू सी, एस टू बी एस टू सी मतलब के बटा टू इंटू के बटा तीन इंटू के बटा फोर। तो इस सभी का एलसीएम, दो तीन चार का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका 12। 6 का है तो 6 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ये 12 है तो यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा 6 से इंटू कीजिए ऊपर नीचे, 6 से यहाँ ऊपर नीचे कीजिए इंटू 4 से, यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से इंटू 3 से इंटू कर दीजिए। तो ये आ जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सम चतुर्भुज ये विकर्ण 8 और 6 है तो उसका भुजा का वर्ग क्या होगा। सम चतुर्भुज है दिया हुआ, ये 90 डिग्री है, और ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये होता है। अब देखिए ये टोटल दे रखा है इन्होंने, हमने पहले से निकाला है 6, मतलब ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हो जाएगा वो 6/2। ऐसे यहाँ से यहाँ कितना बटा हो, कितना हो जाएगा, ये 8/2 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा आपको, एक ट्रायंगल बनेगा, इसका एक साइड होगा 3, एक साइड होगा 4, तो अगला साइड क्या हो जाएगा 5, 3² प्लस 4² इक्वल टू 25। दसवां क्वेश्चन है, एक किले में 500 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन था, 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखिए मान लेते हैं हम एक सैनिक ना 1 KG खा रहा है, ठीक, KG खा रहा है, आपको जो खाना है वो तो बराबर रहेगा, 500 सैनिक है और वो 1 KG खा रहा है 24 दिन तक, तो इतना मतलब खाना है उसके पास, ठीक, 500 है और 24 दिन तक खा रहा है इंटू 1 KG, तो इतना है खाना है मतलब अवेलेबल, 300 सैनिक और जुड़ जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। 300 सैनिक और जुड़ जाए तो 800, 800 सैनिक आ गया, 1 KG सब खा रहा है, 1 1 KG, अभी ये मतलब उतना ही खाना है, खाना खाना है इतना है, और एक एक दिन मान लीजिए, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 0 कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 15 दिन चलेगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मान लिया है एक सैनिक ने 1 KG खा रहा है, तो 500 सैनिक एक दिन में कितना खा रहे हैं, 500 KG, तो 24 दिन में इतना हो जाएगा, तो मतलब उतना खाना अवेलेबल है, 24 × 500 × 1 KG उतना खाना अवेलेबल है। अब 28 दिन, 800 लोग आ गए तो देख लीजिए कितना दिन, 15 ही दिन चलेगा। 11वां क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से तय करती है, यदि ए और बी से को 20 से 45 मिनट अधिक लगता है तो वह दूरी क्या है।
अब देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों का स्पीड दे रखा है, एक का 20 दे रखा है, आपका ए का स्पीड दे रखा है 20, ए का 20 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का दिया है 30, ठीक है। और मान लीजिए ये टी ले रहा है, ए को 20 से 45 मिनट अधिक लगता है, ए मान लीजिए टी ले रहा है टाइम, ये क्या है टी प्लस 45 मिनट। 45 मिनट को हम क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो 9 बजे 45 और 15 चौका 60, 3 की 9, 15 3 मीटर, मतलब टी मतलब 4 टी 3 प्लस 4, इसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। अब दोनों दोनों ही समय क्या है, डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर कर देंगे, मतलब स्पीड 20 इंटू टी प्लस 3/4 इक्वल टू 30 इंटू टी। इससे टी का वैल्यू निकाल लीजिए, 20 टी प्लस यहाँ पे 4 आएगा तो 5 का 20 15 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 30 टी, 10 टी इक्वल टू 15, मतलब टी इक्वल टू 1.5। आपको क्या निकालना था, तो वह दूरी क्या है, टाइम देखिए 1.5 आ गया आपको, तो इससे इसको इंटू कर दीजिए तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा 1.5 × 30, ये कितना है 15 या 45, तो 45 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है, यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है तब मजदूरी 25% घट जाता है, फैक्ट्री मालिकों का पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए पहले मजदूर लोग थे एन एन, और उनको पैसा मिल रहा था पी पैसा, एक दिन में पी पैसा मिल रहा था। अब क्या हो गया, मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब समझते, 120 हो गया है पहले का, 120/100 ऑफ एन, मतलब पहले एन था तो 120/100 हो गया, उतना बढ़ चुका है। अब तब मजदूरी 25% घट जाती है, तो 25% घट जाती है मतलब 85/100 हो गया, एक एक मजदूरी एक आदमी का मजदूरी कितना मिल रहा, पी मिल रहा था तो पी हो गया। अब क्या है, मतलब पहले कितना पैसा देना पड़ता था कंपनी वाले को, नंबर ऑफ मजदूर इंटू एक को कितना मिला था, एन पी देना पड़ता था, अब ये अब कितना देना पड़ेगा, इसको इंटू कर दीजिए, अब इतना देना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया 120 × 85/10 पी इंटू एन। यही पूछ रहा कि अब कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ऊपर का जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है क्या, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ पर 0 से 0 और 6 × 12 5 × 10 और ये होगा 17/85, ठीक, तो 17 × 6 कितना होता है 112, 102 होता है, 102 होता है, तो 102 ऊपर है और नीचे 100 है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पहले एनपी था अब हो गया है 102/100 ऑफ एनपी, इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2/100 ऑफ एनपी। इसका क्या मतलब है, ये दो जो बढ़ रहा है यही दो प्लस हो रहा है, मतलब 2% वृद्धि हो गई, 2% दिखा, कैसे दिखा था, ऐसे नहीं प्रॉफिट लॉस में हम करते हैं, प्लस 2 मतलब प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ, तो अब आ गया इसका 120% आपका नंबर अब बढ़ गया इनटू 85%, क्योंकि 15% घट गया, 25% घट गया है ना, तो 25% घट गया मतलब अब 75 हो गया, पहले एन था नंबर ऑफ मजदूर और पी था एक को मिलने वाला, तो इनटू कर देंगे तो टोटल मतलब कि मालिक को इतना देना पड़ता था, एन पी देना पड़ता था, अब इसको क्या देना पड़ेगा, नंबर ऑफ मजदूर अब हो गए बढ़ गया 20%, तो 120 हो गया,
और 25% से मजदूरी घट गई तो 125 इंटू पी हो जाएगा, तो इसको इंटू कीजिए आप, ये लगेगा 3 5 25 और ये 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30। 30 से कितना होता है, 90 होता है, मतलब 90/100 पी। इसको 90 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 90 × n × p, मतलब आपका पहले इनिशियल पहले शुरू में क्या था, एनपी का 90/100 हो गया, तो मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए 100 − 10/100 × np। तो −10 क्या दिखाता है, मतलब 10% कम गया है ना, 10% कम गया, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तेरहवा क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। एक दुकानदार 1 रुपए में 6 गुब्बारे खरीदता है, वो 1 रुपए में कितना गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। अब देखिए, वो 1 रुपए में 6 गुब्बारे खरीदा, तो मतलब 1/6 कर देंगे तो 1 गुब्बारे का दाम आ जाएगा। ठीक, अब वही पूछ रहा है आपसे, 1 गुब्बारे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि उसको 20% का लाभ हो, तो मतलब 120 हो जाएगा, 20% का लाभ तो यही होता ना, मतलब अभी बताया 100 + 20/100 × 6, तो 120/100 × 1/6, ये क्या हो जाएगा, 6 × 20, 20/100 × 100, अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 नहीं आएगा, 1/5 हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं, हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 1/5 आ गया ये, 1/5 को क्या बोलते हैं, 0.2, 1/5 हो गया, और आपको क्या बोल रहा था, उसे 20% लाभ, तो 1 रुपये में वो कितने गुब्बारे, 1/5 का मतलब क्या, 1 रुपया/5 गुब्बारे है ना, तो मतलब 5 गुब्बारे उसको बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 20% लाभ हो, सही आंसर हो जाएगा इसका। 14वां क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाता है ना, और दूसरे वर्ष का ब्याज हम आराम से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकलता है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकलेगा 38 48, पहले वर्ष का ब्याज, फिर 48% पर जो ब्याज मिलेगा वो 48 रुपये पे, पहले तो 48 रुपये पर मिल जाएगा उसको, प्लस 48 पे जो ब्याज मिलेगा वो भी मिलेगा एक्स्ट्रा, है ना, इसलिए बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है ज़्यादा, तो 48% पे 48 रुपये मिलेगा, प्लस 48 पे जो जितना मिलेगा ना, प्लस 48 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मिल जाएगा, तो 48 पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 8% आपको दिया है, 8 × 48, 8% और 48 ये मिलेगा, 48 भी मिलेगा जो 1 साल में कमा लिया वो भी मिलेगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा जितना है, तो 8/100 कितना हो जाएगा, 8 × 64 = 32 × 6 = 40, 8 × 32 = 38, 38/100 तो 3.184 हो जाएगा ये, तो मतलब कि 48 3.84, ये हो गया 51.84, इसको टोटल 51.84 मिलेगा 2 साल में। 15वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 252 है, महत्तम समवर्तक 12 है, यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए, हमें ये पता होता है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर के बराबर, मान लीजिए एक
एक्स है और दूसरा वाई है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम और एचसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणनफल होता है, मतलब 252 इंटू 12 हो जाएगा, ये आ जाता है आपको 3024। और आपको दिया हुआ एक्स वाई हो गया 3024, और क्वेश्चन में दिया हुआ ए माइनस बी एक्स माइनस और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 48। तो एक्स प्लस वाई के, तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप, ये क्या है 252 इंटू 12, और ये 252 को आप तोड़ दीजिए, और 252 चार मरते जाएगा, हाँ चार मरते जाएगा, 8 मरते जा 8 3 24, 7 3 21, 4 7 3 24, तो 6 4 24, हाँ 6 मरते चला जाएगा, ये 6 मरते जाएगा, 6 4 24, 6 2 12, फिर 6 मरते जाएगा 47, तो 6 × 6 × 7 × 12 हो जाएगा ये, तो 62 84 − 36, 8 6 4 4 3 7, हाँ तो ठीक है। तो हम देख सकते हैं x माइनस वाई दिया था आपको 48, और x इंटू वाई क्या आ गया था 3024, और इसके फैक्टर हमने निकाले हैं। अब देखिए, तो मतलब यहाँ पे y रख दीजिए, x रख दीजिए, एक्स रखिए, वाई रखिए, वाई रखिए, वाई की वैल्यू क्या 301 3024 / x, है ना, तो एक्स माइनस 3024 / x इक्वल टू 48, ये क्या आ जाएगा x² − 48x − 3024। अब इसी का ये मैं फैक्टर निकाला, तो ये क्या होता है फैक्टर इसका 36 × 7 × 12, क्या होता है 12 × 7 = 84 होता है, और 36, 84 और 36, मान लीजिए 84 किया आपने, 36 किया माइनस 84 + 36 किया, तो ये आ जाता है 48 के बराबर, और इसको इंटू करने से ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x² − 84x + 36y 36x − 3024 = 0, तो x − 84 + 36 x − 84, तो x आ जाएगा x − 84 × x + 36 = 0, तो x यहाँ पे 84 आ जाएगा और x − 36 आ जाएगा, क्या आपका x − 36 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आप नंबर ले रहे हैं आप, ठीक ना, ये एक और ठीक, तो x आ गया आपका 84, तो y कितना आ जाएगा x 84 आपका, तो वाई आएगा आपका 36, ठीक, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यही क्वेश्चन था आपका, ये आंसर आ जाएगा इसका 15वां का। 16वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित सब ज्ञात कीजिए, व्यवहार किस चीज़ का सूचक है, मनोवैज्ञानिक से व्यवहार आता है, वनस्पति विज्ञान में पादप के बारे में हम जानते हैं, सत्रहवा है सी इज गुड 1 2 5 है, इज ही बैड 57 है, 5 से 9 है, आर भी गुड, तो 284 जो इन सूचनाओं के आधार पर निम्न, ठीक है, तो सी का कोड क्या होगा, देखिए इज ही बैड आर भी गुड, तो इसमें इसमें कौन सा, दो दो चीज सेम, बस एक चीज सेम है, गुड 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 बैड भी, कुछ इसमें सही नहीं है, देखिए इसमें गुड है इसमें भी गुड है, तो देख लेते हैं इस दोनों में नंबर में कौन सा कॉमन है, देखिए दो है, दो मतलब गुड मतलब दो हो रहा है, ठीक, अब सी इज है गुड है और इज ही बैड है, तो इसमें कौन सा है, इज इज का क्या है, इज का दोनों में इज कॉमन है, दोनों में देखिए
इंग्लिश में क्या इज कॉमन है, इज इसमें है, इज इसमें, उसके अलावा सब दोनों अलग अलग है, इसमें दोनों अलग अलग है। और अक्षर में कौन सा कॉमन है, दोनों में, दोनों में इज कॉमन है, तो अक्षर में कौन सा पांच कॉमन है, तो मतलब पांच चला गया इज, हो पांच हो गया इज, तो बचा एक, एच एक हो जाएगा सी, तो उससे आंसर ए हो जाएगा। तो एक ऐसे कर दीजिए, एक ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा, तो सब में एक ए हो जाना चाहिए, इसमें भी ए हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, तो ए बी है, ए बी है, ए बी है। तो देखिए इसमें ए बी ए है नहीं, ए बी ए है, तो मतलब ये लॉजिक काम नहीं किया। ये भी सही है, ये भी ऑप्शन हो सकता था, पर हम दूसरा लॉजिक देखते हैं फिर। यहाँ पे एक लॉजिक देखते हैं कि एक के बाद ए डाल दिए तो चार बी आ गया, फिर यहाँ पे ए डाल दिए फिर चार बी कर दीजिए, फिर यहाँ पे ए डाल दिए फिर चार बी कर दीजिए, ये लॉजिक काम करिए, देख लेते ऑप्शन ए बी भी है, ये है, तो ये है, मतलब ये लॉजिक काम कर गया। वो भी लॉजिक पिछला वाला भी सही था, ए बी ए भी सही था, ये भी सही है, और उसके हिसाब से ऑप्शन है, तो मतलब यही लॉजिक है इसके साथ। अब देखिए संदर्भ में इन क्रमों को करना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, उपयुक्त श्रेणी में कितने प्रतीक और संख्या हैं जिनके ना तो तुरंत पहले या तुरंत बाद वो अक्षर आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग से है। प्रतीक चिन्ह या संख्या हैं जिनके तुरंत पहले या तुरंत बाद, ठीक ना, तो ए से लेकर कौन सा 26 होता है, ए से लेकर 13 तक, मतलब एम तक आना चाहिए अक्षर, है ना, तुरंत बाद या तुरंत पहले, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आधे आना, मतलब एम तक आ सकता है कुछ भी। देख लीजिए प्रतीक चिन्ह या संख्या है, प्रत्येक चिन्ह या संख्या, ये संख्या पर पी है, तो कोई ये है, इसके पीछे कौन सा है, जे के एल एम, तो ये तो सही है, ये बन जाएगा। फिर आपको संख्या है 8, तो इसके पीछे तो सिंबल है, ये देखिए जे के एल एम, ये भी सही है, ये भी सही है, डॉलर भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका ये एक है, तो इसके पहले बी आ रहा, तो सही है, ये तो बैठ जाएगा। यहाँ पे हैश है, इसमें दोनों नहीं है, भी आता है 13 के बाद और क्यू भी आता है 13 के बाद, और 6 है यहाँ पे, तो ये भी नहीं बैठेगा। डेल, डेल के बाद जी है, तो ये बैठ जाएगा क्योंकि 13 से कम है जी की वैल्यू। 9, 9 के बाद के है, ये बैठ जाएगा। सी, फिर 3, 3 के पहले बैठ जाएगा, 13 से कम है, और डॉलर, डॉलर के बाद ये भी नहीं, तो इसके बाद देखिए ये भी नहीं देख सकते। 5 है, अंग्रेजी अक्षर का एफ है, पहले आ रहा, ठीक है। 7 है, आ रहा है, बाद में आ रहा है, ए आ रहा है, बिल्कुल, ये तो बैठ जाएगा। फिर वाई है, वो को चेक नहीं करना, 4 है जो कि बाद में आ रहा है, तो इसको नहीं कर सकते। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इस प्रश्न का आपको 8 आ गया, है ना, देख सकते कैसे कैसे निकाला गया। करना कुछ नहीं था इसमें, कोई संख्या लेना है या प्रतीक चिन्ह, कोई भी प्रतीक चिन्ह, कुछ भी ऐस ले ली, कुछ भी, तो इसके आगे या पीछे में ना अंग्रेजी वाले का वर्णमाला का 13 जो होता है ना, 13 मतलब एम होता है, एम से पहले वाला आना चाहिए, चेक कर लीजिए, ऐसे ही चेक किया गया। 20वां क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है।